हम लोग चैप्टर 14 अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था हमने। बट कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कि इलेक्ट्रिक करंट में कन्फ्यूजन रह गया है। लास्ट डे उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे डिस्कशन किया था। कुछ लोगों ने बोला था कि एक वीडियो सर बना दीजिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चैप्टर 8 है साइंस, सॉरी चैप्टर 14 क्लास 8 साइंस है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे वो सब आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक बल्ब, इसको LED जो भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे की है की सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए, ये है बैटरी बी। ठीक है, इसका यूज करके इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे। तो देखते हैं कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो करंट पास कर रही है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, इफ यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो कर गया तो क्या हुआ, लाइट मिल रही है आपको। तो लाइट कैसे मिल रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिल रही है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी में। और अगर आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यू अगर इसमें फ्लो करता रहे करंट, तो कुछ देर बाद ये वायर हीट भी हो जाता है, तो आपको क्या मिलती है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ लाइट और हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर से ऐसे करंट पास करने लगती है। तो ये देखिए, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव से दूर की तरफ चलती है और ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे वायर्स लगे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वायर हैं। ये मान लीजिए कॉपर वायर सपोज लगाया गया है, तो आप देख रहे हैं कॉपर वायर में क्या फ्लो करेगा, तो करंट पास करेगी। अभी अभी बताया गया क्या, प्रोटॉन के फ्लो करने से होगी, नहीं अभी बताया गया था प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटॉन का है न्यूक्लियस में। तो क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट होता है। मतलब कि यहां पे देखिए करंट की डायरेक्शन है ऐसे, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। तो इस टाइप के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज है। इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस मींस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप बातों को क्लियर समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे देखिए, ये है करंट, एक सर्किट है, इसको बोलते हैं, ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या है, एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इसमें जो ये बल्ब है, ये जो की है, ये जो बैटरी है, इनको सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। इस सर्किट के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और भी चीजें हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर। ठीक है, हालांकि वो सारी चीज अभी है नहीं है आपके सिलेबस में यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये एक सर्किट है जिसमें के को जब क्लोज किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट फ्लो की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चेक करते हैं कि क्या सभी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, जितने भी मटेरियल्स के हम लोग सॉलिड मटेरियल्स की कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कॉपर वायर बनाया है या फिर कोई चीज प्लास्टिक का बना हो, कोई वुडन सॉलिड है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई आयरन का है, कोई डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक का है, तो क्या सभी के अंदर से करंट पास करेगी। तो करंट सभी के अंदर से कौन सी कंडीशन में पास करेगी या फ्लो करेगी, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्लोइंग इन ए मटेरियल, इट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से बैटरी को कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव नहीं करता होगा,
किसी मटेरियल में मूव कर रहा है, क्यों करता है ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आपके पास है ये सर्किट, यहाँ पे आपने सर्किट को ओपन रखा है कुछ कनेक्ट करने के लिए, और ये है बैटरी, ठीक है। ये बैटरी, और आपने यहाँ पे की यूज किया है कि कब आप सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कंडक्टिंग वायर ऐड कर दिया, सपोज ये है कंडक्टिंग वायर, इस ए बी के बीच में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको स्ट्रेट भी बना सकते थे, हम ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आए। जब इसको क्लोज करेंगे आप तो क्या होगा, करंट ऐसे पास करेगी, करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे, केस फर्स्ट, जब यहाँ पे कंडक्टिंग वायर कनेक्ट है तो कंडक्टिंग वायर के केस में क्या होगा, करंट इज इन द सर्किट। कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि सर्किट में करंट है, क्योंकि क्योंकि एलईडी क्या होगी, ग्लो करेगी, या फिर लिख रहे हैं एलईडी इज ग्लोइंग, एलईडी ग्लो करेगी यहां पे, ये है एलईडी। जब भी एलईडी ग्लो करेगी तो हम लोग ये मान लेंगे कि सर्किट में करंट पास कर रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है, जब भी यहां पर देख रहे हैं ए बी के क्रॉस कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया तो यहां पे एलईडी ग्लो किया और करंट है सर्किट में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो पॉजिटिव से इधर ही करंट चलती है, ये आपको यहाँ पे कन्वेंशनली मान लेना होगा। इसके रीजंस आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखिए, केस सेकेंड, सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे सपोज प्लास्टिक का कोई मटेरियल या फिर वुडन कोई ब्लॉक कुछ भी कनेक्ट कर दिया गया होगा, तो मान लीजिए कि प्लास्टिक का कोई मटेरियल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया इस टाइप का कुछ, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एलईडी ग्लो नहीं करती, ठीक है। अगर तो यहाँ पे प्लास्टिक कनेक्ट किया है तो नो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या फिर इसी को आप इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, अब जैसे इसमें करंट पास नहीं किया तो इसको आप बोलते हैं इंसुलेटर, या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं, कोई वुडन है या प्लास्टिक का है, डिफरेंट टाइप के, आपको प्लास्टिक के बारे में भी पता है तो इसको प्लास्टिक ही रहने देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एलईडी विल नॉट ग्लोइंग, या फिर लिख सकते हैं एलईडी इज नॉट ग्लोइंग, तो एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो अब जिस केस में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास नहीं करेगी उन सभी को इंसुलेटर बोलेंगे, और जिन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी उन सभी को यहाँ पे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, या कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे हम। तो आपको यहां से दो कैटेगरी मिलती है, एक तो होती है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो यहां पे क्या मिलेगा, इस केस में ए मिलेगा आपको कंडक्टर की कैटेगरी और बी मिलेगा इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स में कौन कौन से होंगे ये आपको ढूंढना होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर एक्सेट्रा,
ये सभी कंडक्टर हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये सभी हैं, और भी बहुत टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स आपको मिल रहे हैं। कैसे पता चलेगा? बहुत इजी है। कंडक्टर को यहाँ पे रखिए आप, और अगर ये जैसे ही रखेंगे ये एलईडी ग्लो करने लग जाएगा। इंसुलेटर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो एलईडी ग्लो करना बंद कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिनको यहाँ पे लगाने से इस सर्किट में करंट पास करती है, मतलब कि वो उनके अंदर से भी करंट पास करती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट पास नहीं करती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब आपको एक चीज का आइडिया मिल गया होगा कि करंट कंडक्टर्स के अंदर से क्यों पास करती है और इंसुलेटर के अंदर से पास क्यों नहीं करती है। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर से करंट क्यों पास करती है, अब आप आएंगे अपने बेसिक नॉलेज पे तो आप देखेंगे कि किसी सॉलिड के अंदर से करंट क्यों पास करती है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके अंदर करंट पास करती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, बैटरी लगाने पर भी वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। देखिए, बैटरी नहीं है तो किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, लेकिन बैटरी लगा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिनमें से, उसको बोलेंगे कंडक्टर। जिसके अंदर से फ्लो नहीं करता उसके अंदर उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, बैटरी लगाने पे वो फ्लो नहीं कर पाते, इसका मतलब उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो पाती, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। उनके एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कब? जब बैटरी से उनको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें लूजली बाउंड होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉलिड को आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंडक्टर, जिनके अंदर से करंट फ्लो करती है, क्यों करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। इंसुलेटर्स, वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इतना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। बट प्रोटॉन कभी भी वायर के अंदर से फ्लो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत ही अंदर है, बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है। तो क्या फ्लो करेगा? वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी आप करंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सी केस में? सॉलिड वायर के केस में। लिक्विड और गैस में ये डिफिनीशन नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और भी चीज़ें जिसको आयन बोलते हैं वो भी फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करेंगे तो वहाँ पे सॉलिड में सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है जिसके फ्लो करने से करंट फ्लो करती है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो हैं सॉलिड में, उनमें करंट अगर पास करती है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट पास नहीं करती इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी के बेस पे आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये और बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है? देखिए, आप एक एलईडी, यहाँ पे एक छोटा सा सेल, ठीक है, ले सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का होना चाहिए कलेक्शन, जिसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। आप चेक करेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। ग्रेफाइट जानते हैं आप, पेंसिल जो होता है जिससे लिखते हैं, पेंसिल से उसके आगे जिससे लिखते हैं ब्लैक कलर का आप देखते हैं, वही ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो आपको चेक करना है कि ग्रेफाइट इन दोनों में से किस कैटेगरी में है, कंडक्टर की कैटेगरी में या इंसुलेटर की कैटेगरी में है। कैसे पता करेंगे आप? सर्किट के इस पार्ट में जो कि आपने ओपन रखा हुआ है एवी, इसी पार्ट में आप ग्रेफाइट को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पार्ट में ग्रेफाइट को कनेक्ट करेंगे, ये एलईडी ग्लो कर गई तो हो गया वो कंडक्टर, अगर ये एलईडी ग्लो नहीं किया तो हो गया इंसुलेटर।
बट आपको प्रॉपरली चेक करना होगा कि यहाँ पे सर्किट अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। कई बार क्या होता है, हमने इस सर्किट को कनेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, ये ए से तो अटैच है लेकिन बी पे हो सकता है कि हमारा अटैचमेंट, आपने जो कनेक्शन किया है वो सही ना हो, तो उस कंडीशन में भी ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो आप प्रॉपर चेक करेंगे कि जो भी आपका ग्रेफाइट है वो ए और बी पॉइंट से प्रॉपरली कनेक्ट है। उसके बाद जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऑलवेज की को ओपन रखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन कर देते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करेंगे और हम चेक करेंगे कि एलईडी ग्लो कर रही है कि नहीं। अगर एलईडी ग्लो करती है इट मींस वो मटेरियल कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, और ग्लो नहीं किया तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास आसपास अवेलेबल है, आप लीजिए वायर्स यूज करिए और इसको परफॉर्म करिए और बताइए कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, इस एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करके रखिए अपने पास, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, तो देखते हैं आगे क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए हमने बात किया है अभी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, ठीक है, इनके बारे में बात किया। बट यहाँ पे जो हमको बात करना है मेन, वो बात करना है, एक तो है हमारे पास गुड कंडक्टर और सेकेंड है पुअर पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे जिसके अंदर से करंट इजली फ्लो नहीं करती उसको यहाँ पे एग्जैक्टली इंसुलेटर वर्ड नहीं देके हम लोग पुअर कंडक्टर वर्ड देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी सी करंट फ्लो करती है, और जिसमें करंट इजली फ्लो करती है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग जो टर्मिनोलॉजी है उसको चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर से करंट इजली फ्लो करती है उसको बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर में भी वो क्या हो जाता है गुड कंडक्टर हो जाता है। जिसके अंदर से करंट इजली पास नहीं करती है उसको हम लोग पुअर कंडक्टर बोलते हैं, करंट एकदम से ही पास नहीं करे तो इंसुलेटर बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हमारे आसपास हैं जिसके अंदर से कि बहुत थोड़ी थोड़ी सी करंट पास करती है, जीरो नहीं पास करती, थोड़ी थोड़ी पास करती है, इसलिए पुअर कंडक्टर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर समझ गए क्या है, इंसुलेटर भी समझ गए। इंसुलेटर मीन्स कि उसके अंदर से एकदम से करंट पास नहीं करे, तो ऐसे मटेरियल्स बहुत ही कम होते हैं, थोड़ी सी करंट पास करती है तो उसको पुअर कंडक्टर, और इजीली करंट पास कर रही है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं गुड कंडक्टर। तो जो यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है वो है कि क्या लिक्विड के अंदर से भी करंट पास कर सकती है, मतलब क्या लिक्विड भी कंडक्टर हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे लिक्विड पुअर कंडक्टर होते हैं या सारे इंसुलेटर होते हैं। तो उसके समझने के लिए एक सर्किट बना लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक सर्किट, यहाँ पे हम एक दो कंडक्टिंग वायर्स रखते हैं, ये लगा देते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अब बैटरी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक कंटेनर रखते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड लिक्विड फिल करते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे ही की को क्लोज करेंगे, ये बल्ब अगर ग्लो कर गया तो इट मीन्स कि यहाँ से जो करंट पास कर रही है इस लिक्विड के अंदर से भी वो पास कर पा रही है,
और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं किया, इट मीन्स करंट पास नहीं कर रही है। तो ये तो गया एक सिंपल सर्किट इसको चेक करने के लिए कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, ये गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है। तो बहुत ही सिंपल, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपके पास लेमन जूस है, डिफरेंट टाइप के जूस का आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से उसमें गुड कंडक्टर है, कौन कौन से पुअर कंडक्टर है। जैसे लेमन जूस हो गया, आपके पास टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, विनेगर, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के जूस आप यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कौन कौन से लिक्विड कंडक्टर हैं और कौन कौन से लिक्विड पुअर कंडक्टर हैं। कंडक्टर सिर्फ बोलने का मतलब गुड कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से लिक्विड है जो गुड कंडक्टर है और कौन कौन से पुअर कंडक्टर हैं, ये आपको पता करना है। तो आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास मीन्स नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो वहाँ पे उसको कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आउटर सर्किट है, यहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं। इस वायर के अंदर जब करंट ऐसे पास करती है तो आउटर वायर जो लगा हुआ है, जो सॉलिड वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आपको बताया गया था जब भी कोई सॉलिड होता है, सॉलिड कंडक्टर या फिर आप गुड कंडक्टर बोल सकते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो करंट पास करती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन इस लिक्विड के अंदर ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, लिक्विड के अंदर जो करंट पास करती है वो ड्यू टू किसकी किसकी वजह से करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख देते हैं, इसके अंदर दो चीज़ों की वजह से करंट पास करती है, इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस, ठीक है। जो कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। तो इनकी वजह से इसमें करंट पास करती है, जबकि इस वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से पास करती है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे पास फ्लो करेगा और करंट इधर फ्लो करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप बात करें लेमन जूस, अगर आप लेमन जूस की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे ये लिक्विड लेमन जूस है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसको यहाँ पे रखेंगे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, और जैसे ही ये बल्ब ग्लो करेगा आप बोल देंगे कि ये जो है लिक्विड यहाँ पे वो है गुड कंडक्टर। और अगर यहाँ पे जो भी लिक्विड आपने रखा है इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बहुत हल्का फुल्का कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये है पुअर कंडक्टर ये लिक्विड। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की हेल्प से आप बहुत सारे लिक्विड को चेक कर सकते हैं। सेकेंड है आपका टैप वाटर या फिर डिस्टिल वाटर, जो भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस सीक्वेंस में यहाँ पे एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड्स के बारे में कि लिक्विड जो होते हैं वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे लेमन जूस है, टैप वाटर है, या फिर वाटर में अगर आपने वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर हुआ, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये सारे लिक्विड्स। तो आपके सिलेबस में मेन सॉलिड के बारे में जो कि आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद लिक्विड के बारे में जो कि अभी भी डिस्कस किया है। इस एक्टिविटी की हेल्प से आप बहुत सारे लिक्विड जो कि आपके आसपास होते हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो
गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टेबल दिया हुआ है बुक में आपके उसको कंप्लीट भी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से गुड कंडक्टर हैं, कौन कौन से पुअर कंडक्टर हैं लिक्विड जो कि आपके आसपास पाए जाते हैं। अभी अगर आप बात करें गैस की, क्या गैस भी गुड या पुअर कंडक्टर हो सकते हैं? तो यस, आपका आंसर ये भी है, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में गैसेस के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग जब आएगा सिलेबस में आपके किसी हायर क्लास में तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में जो टॉपिक है जिसको हमें अच्छे से समझना है वो केमिकल इफेक्ट। देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक करंट और जो भी चीज़ें हमने पढ़ा इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है एक्टिविटी, जो है सिंपल एक्टिविटी करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो एक्टिविटी में आपको दो एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी जो फर्स्ट है इस चैप्टर में वो है सॉलिड के लिए चेक करना गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर और एक्टिविटी जो सेकेंड टाइप की है इसमें है लिक्विड के लिए। क्या पता करना है आपको? गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो आपको ये दो टाइप की एक्टिविटी करनी है। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, जैसे कि एक्टिविटी फर्स्ट में आपने कॉपर के साथ किया, कॉपर ग्रेफाइट और एल्युमिनियम के साथ किया सपोज। एक्टिविटी सेकेंड में आपने किया वुड प्लास्टिक और कोई और ले लिया आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने चूज़ किया होगा। एक्टिविटी सेकेंड टाइप में आपने लिक्विड के साथ किया, तो लिक्विड में आपने लेमन जूस लिया होगा, टाइप वाटर लिया होगा और सपोज वाटर और सॉल्ट मिक्सचर ले लिया फर्स्ट में। सेकेंड एक्टिविटी में आपने सपोज लिया डिस्टिल वाटर, ठीक है, या फिर कोई वेजिटेबल ऑयल ले लिया। तो यहाँ पे दो टाइप की एक्टिविटी यहाँ पे बनती है, एक तो गुड कंडक्टर से रिलेटेड बनेगी, एक पुअर कंडक्टर से रिलेटेड, या फिर आप एक टेबल के फॉर्म में दोनों को अरेंज कर लेंगे कौन कौन से गुड कंडक्टर हैं, कौन कौन से पुअर कंडक्टर हैं, फिर कुछ चेक भी करेंगे। चेक करने के बाद आप फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर लिक्विड में है, ऐसे ही कौन कौन से गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर सॉलिड्स में है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इन सभी एक्टिविटीज़ को आपको करना है, सारे जो भी रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल है आपके आसपास, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो परफॉर्म करके इसको टेबल बना के आपको अपने पास रखना होगा। अब देखते हैं कि जब आप एक्टिविटी करेंगे तो सर्किट को कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे वायर्स, ठीक है, वायर लेंगे। वायर में एक वायर को आप सबसे पहले एलईडी के साथ कनेक्ट करके इसको अलग रखेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे कंडक्टिंग रॉड्स। यहाँ पे सपोज आपने दो कंडक्टर गुड कंडक्टर मटेरियल को यहाँ पे इस वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक की लेंगे और की को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है, की को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और की ओपन रखेंगे, ध्यान रहे। इसके बाद एक बैटरी लेंगे और इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्ट किया। अब देखिए बिगनिंग में ये सर्किट दो जगह पे ओपन
है यहाँ पे, एक तो ए है ए बी और एक के पे है। आप जब भी एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करेंगे, ये है देखिए बैटरी और ये है एलईडी, ठीक है। जब भी आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले के ओपन होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आप जो कुछ भी ऐड करना है उसको ऐड करेंगे। इसको ओपन रखेंगे और यहाँ पे अगर सॉलिड मटेरियल ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और अगर लिक्विड के लिए आप चेक कर रहे हैं तो इन ये जो टर्मिनल्स ए और बी हैं इसको लिक्विड के अंदर डीप कर देंगे ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे कि के ओपन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्लोज करके आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। हालांकि आप जिस बैटरी का यूज़ कर रहे हो बहुत ही कम वोल्ट की आपको लेना है, ठीक है, मिनिमम, तो कोशिश करिएगा ये मिनिमम 2.5 या 1.5 वोल्ट जो भी अवेलेबल है आपके पास उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एलईडी के अकॉर्डिंग एलईडी भी उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम वोल्ट का आप लीजिएगा, 1.5 टू 3 तक ले सकते हैं आप। यहाँ पे अब लिक्विड रखिएगा, इसमें इन दोनों टर्मिनल्स को डीप करिएगा। डीप करने के बाद जब एक बार जब सर्किट प्रॉपर बन जाए उसके बाद ही आप की को क्लोज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना इसके कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, भले ही इस केस में करंट जो फ्लो करती है वो बहुत ही लेस करती है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कोई इफेक्ट या हमको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगते हैं, बट ये आपके हैबिट में होना चाहिए। बिकॉज अगर ये बैटरी काफ़ी पावरफुल है और उस केस में ये बहुत ही डेंजर हो सकता है जब आप इसको अगर के को क्लोज करके आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज अपने को इस तरीके से करना चाहिए कि वो हमारे बिहेवियर में रहे, गलती से भी हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करें जिससे हमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल शॉक या हार्मफुल इफेक्ट हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के इन एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करेंगे। आप सारे एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पे सर्किट एलिमेंट हैं, एलईडी बल्ब की टर्मिनल्स, ये कंडक्टिंग वायर्स या फिर रॉड ले सकते हैं आप, एक टैब, एक ये ले लीजिए कोई कंटेनर ग्लास का, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। कोशिश करिए कि ये जो कंटेनर है ये कंडक्टिंग नहीं हो, ग्लास का हो या फिर प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी दिखेगा। और ये ओवर कंडक्टर होने से अगर आप इसको टच भी करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सपोज ये एल्युमिनियम का लिया हुआ है आपने तो फिर इसके अंदर भी करंट होगी जो कि डेंजरस हो सकती है। तो आपको ये कंटेनर जो लिया हुआ है ये वाला, इसको क्या लेना है, ये जो कंटेनर है ये ऐसा कंटेनर लेना है जो ओवर कंडक्टर हो या फिर बहुत ही इंसुलेटर एक तरीके से बोल दीजिए, ठीक है। इसको ग्लास का लीजिए और यहाँ भी जो भी चीज़ें कनेक्ट करिए, ध्यान रहेगी कि ऑलवेज ओपन रहे, अगर के क्लोज है तो वो डेंजरस हो सकता है। तो ठीक है, फिर इस एक्टिविटी ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करिए। जो भी डाउट्स होगा हम लोग उसको देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उसको भी डिस्कस करने या करते रहेंगे, ठीक है।